हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे भारत के शहर के उपनामों के बारे में, जुड़वा शहर है जो उनके बारे में, साथ ही विश्व के जितने भी शहर हैं उपनाम है उनके बारे में भी। ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो या SSC का कोई एग्जाम हो, डेली बेस का एग्जाम हो, CHSL, CGL, MTS, रेलवे, PSC, स्टेट PSC, किसी का भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए स्टडी जीके पूछा जाता है। तो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा चैनल स्टडी यूनिवर्स है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैंने बहुत सारे डाले हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारे जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पर बहुत सारे आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत के शहर और उपनाम के बारे में। कौन कौन से शहर हैं और उनके उपनाम क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं बाघों का शहर या IT हब बेंगलुरु को कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों बंगाल में सबसे ज़्यादा बाढ़ से जो प्रभावित है वह बंगाल है, इसलिए यह बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित बिहार कोसी नदी से बिहार है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। नीली पहाड़ियाँ नीलगिरी हिल्स को कहते हैं। गेटवे ऑफ मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहते हैं, यानी भारत में प्रवेश का द्वार मुंबई कहा जाता है। इंडिया गेट आपको पता होगा दिल्ली में है। छोटा भारत दिल्ली को कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों, छोटा भारत दिल्ली को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं, जैसा आपको पता ही होगा गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी, गगनचुंबी इमारतों का शहर कोलकाता को कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। केरल का गेटवे कोचीन को कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये दोनों हैं, अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है और केरल का गेटवे भी कोच्चि को कहा जाता है। पांच नदियों का शहर पंजाब को कहा जाता है। दोस्तों, जो पंजाब है वहाँ पर पांच नदियाँ बहती हैं, इसलिए इसे पांच नदियों का शहर कहा जाता है, जिसमें से चिनाव, झेलम, रावी, सतलज, ये सभी नदियाँ प्रमुख हैं। बात करते हैं भारत का हृदय किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। और मध्य प्रदेश को इसके अलावा टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है, लेपर्ड प्रदेश भी कहा जाता है। सात द्वीपों का शहर मुंबई को कहते हैं दोस्तों, क्योंकि मुंबई सात द्वीपों पर बसा हुआ है। स्टील सिटी बेंगलुरु को कहते हैं, सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया है। सुनहरा शहर अमृतसर को कहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा अमृतसर में जो है वह एक बहुत बड़ा मंदिर है, आपको पता ही होगा, जो सोने का है, उस इस कारण से अमृतसर को सुनहरा शहर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर दोस्तों कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है और भारत में सबसे ज़्यादा कपड़े अहमदाबाद में बनाए जाते हैं, साथ ही दोस्तों मुंबई में भी बनाए जाते हैं, लेकिन भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को ही कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता कहा जाता है, आपको पता ही होगा। गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कोलकाता को ही कहते हैं, मैंने अभी पढ़ाया आपको। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, आपको पता होगा जितने भी नवाब हुए हैं, जो बहुत बड़े बड़े नवाब हुए वो लखनऊ में हुए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं, दोस्तों भारत की सबसे फेवरेट लोकेशन है, पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं। बात करते हैं बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। नेक्स्ट है झीलों का शहर श्रीनगर को कहते हैं, आपको पता होगा झीलें सबसे ज़्यादा श्रीनगर में है। मंदिरों का शहर वाराणसी को कहते हैं, भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, इसके अलावा बहुत सारे मंदिर हैं, इस कारण वाराणसी को मंदिरों का शहर कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। भारत का स्विट्ज़रलैंड कश्मीर को कहा जाता है, आपको पता होगा दोस्तों कश्मीर में भी स्विट्ज़रलैंड जैसे बर्फ़ गिरती है, ठंड पड़ती है, इस कारण भारत का स्विट्ज़रलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भगवान के वास का स्थान दोस्तों इलाहाबाद कहलाता है, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो ये भगवान के वास का स्थान, यानी भगवान यहाँ रुकते हैं, इस कारण से भगवान के वास का स्थान कहते हैं। नेक्स्ट है एशिया अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भारत के जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण वाला जो कॉरिडोर है, इन दोनों जगहों का जो काटता है वह कानपुर में राजमार्ग काटता है, इसलिए इसे राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं। त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। इस्पात नगर जमशेदपुर को कहते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्पात उद्योग है, या इस्पात नगरी भी इसे कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं, मैंने आपको बताई दिया।
पूर्व का वेनिस कोच्ची को कहा जाता है, इंडिया का गेटवे, और इसके साथ केरल का गेटवे भी कोच्ची को कहते हैं, साथ ही पूर्व का वेनिस भी कोच्ची को कहते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। डेक्कन दोस्तों महाराष्ट्र का एरिया कहा जाता है, जिस कारण पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। श्लोक उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है, दोस्तों यहाँ पर उद्यान है, उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है, ये श्लोक नहीं है। उद्यानों का जो शहर है वह सिक्किम को कहा जाता है, सबसे ज्यादा उद्यान आपको सिक्किम में मिलेंगे। पहाड़ों की मल्लिका नेतर हाट को कहा जाता है। ओल्ड सिटी सेल ओल्ड सिटी गुजरात को कहा जाता है, दोस्तों यहाँ पर है नेक्स्ट है दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है, काली नदी शारदा नदी को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा है, आपको पता होगा। सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है, क्योंकि सब देश में सबसे ज्यादा सुरमे का जो उत्पादन होता है वह बरेली में होता है। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है, कन्नौज में इत्र बनाने के कारखाने हैं, जिस कारण खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहती है। काशी की बहन गाजीपुर को कहती है, क्योंकि दोस्तों काशी और गाजीपुर बहुत पास पास है, इस कारण से काशी की बहन कहते हैं। लीची शहर देहरादून को कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो लीची का उत्पादन है वह देहरादून से होता है। कर्नाटक रत्न मैसूर को कहा जाता है। धान की डलिया मेघालय को कहते हैं, दोस्तों यहाँ पर धान का उत्पादन होता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं, फिर भी धान की डलिया मेघालय को कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहते हैं, धान की डलिया मेघालय को कहते हैं, मैंने आपको ये बता ही दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बृद्ध गंगा, तो गोदावरी को बृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा इन दोनों नामों से जाना जाता है। ताला नगरी अलीगढ़ को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों देश में सबसे ज्यादा ताले अलीगढ़ में ही बनाए जाते हैं। पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है, आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा पेठा आपको आगरा में मिलेगा। वन नगर देहरादून को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों वनों का जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको देहरादून शहर में मिलेगा। सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं, जोधपुर दोस्तों आपको बता दें जो हमारा भारत है उसका लास्ट सबसे बड़ा शहर है जो पूर्व पश्चिम में है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है, धनबाद में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। राजस्थान का जो गौरव है वह चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, दोस्तों चित्तौड़गढ़ में आपको बहुत बड़े बड़े किले मिलेंगे, तो राजस्थान का जो गौरव है वह चित्तौड़गढ़ को कहा है। अब बात करते हैं भारत के कुछ जुड़वा शहरों के बारे में जो एक दूसरे से बहुत करीब बसे हुए हैं, इन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर या जुड़वा बहन शहर कहा जाता है। कटक और भुवनेश्वर ये भी जुड़वा शहर कहलाते हैं। कोलकाता और हावड़ा इन दोनों को जुड़वा शहर का दर्जा दिया गया है। दुर्ग और भिलाई इन दोनों को भी जुड़वा शहर कहा जाता है। कोच्चि और एर्नाकुलम ये बहुत पास पास में बसे हुए हैं, जिस कारण जुड़वा शहर कहा जाता है। गांधीनगर और अहमदाबाद ये दोनों भी बहुत पास पास बसे हैं, जिस कारण इसे जुड़वा शहर कहा जाता है। दोस्तों जो गुजरात की राजधानी है वह गांधीनगर है और यह अहमदाबाद के बहुत पास है। इसके अलावा विजयवाड़ा और अमरावती इन दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है। काकरौली और राजसमंद इन्हें भी जुड़वा शहर कहा जाता है। हरिहर और दावरगिड़ी दोस्तों इन्हें भी जुड़वा शहर कहा जाता है। शिवमोगा और भद्रावती इन्हें भी जुड़वा शहर का दर्जा दिया जाता है। तिरुचिरापल्ली श्रीरंगपट्टम को जुड़वा शहर कहा जाता है। इसके अलावा गुवाहाटी और दिसपुर इन्हें भी जुड़वा शहर कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे के बहुत पास पास में बसे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ विश्व के उपनामों के बारे में। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के कौन कौन से शहर या देश है जिसके अन्य उपनाम कौन कौन से हैं, तो जितने भी उपनाम हो सकते हैं विश्व के वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं। वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। दोस्तों जो ब्रिटेन है वह ईस्ट में आता है और जो न्यूजीलैंड है वह दक्षिण में आता है, जिस कारण दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जो ब्रिटेन जैसे आइलैंड पर बसा हुआ है ऐसे ही न्यूजीलैंड भी आइलैंड पर ही बसा हुआ है। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लौंग का उत्पादन है वह जंजीबार द्वीप पर होता है। सात द्वीपों का नगर इंटरनेट सिटी रोम को कहा जाता है। दोस्तों इंटरनेट नहीं इंटरनल सिटी रोम को कहा जाता है। स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर मीनारें देखने को मिलेंगी।
ब्रॉडवे ऑफ एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आपको बड़ी सिटी है पर दुनिया की न्यूयॉर्क है। ग्रेनाइट सिटी एवरडीन को कहते हैं, यहाँ पर ग्रेनाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आंसुओं का द्वार बाब अल मंडाब जो खाड़ी है उसको कहते हैं, बाब अल मंडाब खाड़ी को आंसुओं का द्वार कहते हैं। इंग्लैंड का बगीचा कैंट शहर को कहा जाता है। निश्चित शहर ल्हासा को कहा जाता है। दोस्तों ये तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, जिसे निश्चित शहर कहते हैं। मकर द्वीप आइलैंड को कहते हैं। यूरोप का खाड़ा बेल्जियम को कहते हैं। दोस्तों जितने भी युद्ध हुए हैं यूरोप में वह बेल्जियम में हुए हैं, तो इस कारण से यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। शानदार दूरियों का शहर वॉशिंगटन DC को कहा जाता है। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। यूरोप का बारूद का पीपा वाल्कन को कहा जाता है। दोस्तों जो भारत का विभाजन हुआ था वह वाल्कन प्लान के आधार पर ही हुआ था, इस कारण इसे यूरोप बारूद का पीपा कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंटलीस का मोती क्यूबा देश को कहा जाता है। मध्यरात्रि में सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है, यहाँ पर मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। इसके अलावा प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया को कहते हैं। मैपल लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। स्वर्णिम पगोड़ा का देश म्यांमार को कहा जाता है। किकाओ का देश न्यू स्कॉटलैंड को कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी दोस्तों जिब्राल्टर जसंधि है, जिसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। दोस्तों ये जल संधि है, जिब्राल्टर जनसंधि है, जो स्पेन और मोरक्को के बीच है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट है जिन्हें आपको जानना जरूरी है। पवित्र भूमि यरूशलेम को कहा जाता है। तुर्की का यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। दोस्तों तुर्की का नाम अब ये तुर्की हो गया है, जैसे मैं लिख के बता दूं आपको, तुर्की है ये नाम हो गया है तुर्की का। चीन का शोक पीली नदी हवांगो नदी को कहा जाता है। दोस्तों चीन में जो सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है वह हवांगो नदी लाती है। स्विस शहर बेलग्रेड को कहते हैं। हवा वाला शहर द डॉन अंडर शिकागो को कहा जाता है। जॉर्ज क्रॉस आइलैंड माल्टा को कहा जाता है। पूर्व का मोती सिंगापुर को कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण का मोती न्यूजीलैंड को कहा जाता है और पूर्व का मोती सिंगापुर को कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट इसे भूटान को कहा जाता है। दोस्तों भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की है उपनामों के बारे में, जुड़वा शहर के बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।